एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समरीन गैलरी। और सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर 7:30 हम लोग पहुँच गए थे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना किचकिच है, पूरा पानी भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो हदस गई थी देख करके कि यार इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और क्या भीड़ है स्टेशन में। और ये बहुत ऐसा रेलवे टाइप का रेस्टोरेंट बना हुआ था ना, वही है। यहाँ पर हम लोग चाय पीने के लिए रुके। शेयरिंग कार भी गई जाता है यहाँ पर, बट हम लोगों ने शेयरिंग कार नहीं ली, हम लोगों ने अपना पर्सनल कार लिया था। और इस पे हमारा जो कॉस्ट था वो 4,500 पड़ा था न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक का। अगर आप दार्जिलिंग जाओगे तो 3500-3700 में मिल जाएगा आप लोगों को, बट गैंगटॉक थोड़ा दूर है और गैंगटॉक कैपिटल है सिक्किम का, तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा दूरी भी और बहुत चढ़ाई भी है, इसलिए 4,500 लिया। और रास्ते इतने खूबसूरत थे गाइस, मतलब मैं तो रास्ते पे ही फिदा हो गया। उससे भी खूबसूरत दार्जिलिंग का रास्ता था, आगे के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब गैंगटॉक का क्या ही बोलूँ मैं, मुझे पर्सनली गैंगटॉक को ज़्यादा ही पसंद आया। गैंगटॉक की वादियाँ जो है, माहौल जो है, बहुत अच्छा है गाइस। फिर हम लोग बीच में खाने के लिए रुके थे, बहुत अच्छा रिवर था यहाँ पीछे में जस्ट, और बहुत अच्छा सीन था यहाँ से। और मैं तो दाल चावल ही खाया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ मुझे हुई है रास्ते में, हमें फेस की बैंड बज गई थी बिल्कुल। और मेरे जो दोस्त लोग हैं वो लोग मुझे इलेक्ट्रोल पाउडर घोल करके दे रहा था पानी में, इसलिए मैं इस तरह का फेस बना रही थी। और फेस पे एक दो पिंपल्स भी निकल गए थे गर्मी की वजह से। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I गाइज। फाइनली हम लोग गैंगटॉक पहुंच गए थे। और ये वाले भैया कहाँ गए? हाँ, इन्होंने हमें छोड़ा था। वो क्या होता है, चाउमीन? तो गाइज हम लोग यहाँ गैंगटॉक में उतर गए। ऊपर से देख यार, मौसम क्या सही है। मेरा भी दिल आ गया था, क्योंकि मूड भी फ्रेश हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, खुशी मिल रहा है। बोल लेना। तो गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे। हम लोगों का प्लान था डायरेक्ट गैंगटॉक आने का जलपाईगुड़ी से। इतनी लेट हुई है ना, मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ मुझे हुई, फिर अभी ठीक है। और मुझे हंसी भी आ रहा है, क्योंकि चला नहीं जा रहा हम लोगों से। यहाँ से सिर्फ 900 मीटर ना खाली दूर है, 900 मीटर
किलोमीटर दूर है यहाँ से हम लोगों का होटल, इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। कैब वाले 400 बोल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लूट लेंगे आप लोगों को, क्योंकि पीक सीज़न में हम लोग आए। तो आप लोग भी इस टाइम पर अगर आते हो तो ज़्यादा कैब में खर्च मत करो, क्योंकि बहुत सामने सामने ही चीज़ें हैं। साइट सीइंग वगैरह भी आप सामने आराम से कर सकते हो। और वो ड्राइवर वाले अंकल बोले कि उसका तुम लोग कुप्पा खा लेना। कुप्पा खावा उस पैसे का? कुप्पा मतलब पता नहीं, कुप्पा कुप्पा कुछ तो बोले। नहीं नहीं, गोलगप्पा नहीं, नूडल्स को बोलते हैं, चाउमीन को बोलते हैं। अरे यार आधा थकावट तो यही हो गया। अब आप लोगों को होटल दिखाऊंगी रूम में पहुंच करके मिलूंगी। नजारे देखते हैं, चलो आप लोगों को नज़ारा दिखाती हूँ। ऐसे मत बोल, चल जाएंगे। तुम पहाड़ दिखा रही थी मेरे को, लगा कोरियन लोगों। अरे भाई क्या कोरियन कोरियन लड़का लोग दिखाया मेरे को आज। स्टेशन गुरुद्वारा, गुरुद्वारा है यार, हम लोग जा सकते हैं बाई चांस। गाइस हम लोग अगर आए तो हम लोग जाएंगे ये गुरुद्वारे, क्योंकि मैं तो गुरुद्वारा जाती हूँ। नहीं, काठमांडू में इसी तरह का पोस्टर है, इस तरह का रहता है एकदम कर्व साइड पे निकल कर। पता नहीं क्या है ये, आप लोग बताना गाइस क्या है ये, मुझे तो नहीं पता। गाइस यहाँ पे स्ट्रीट डॉग देखिए कितना प्यारा है। गाइस कितना सही है, वाह क्या लग रहा है यार, मतलब फोन पे इतना कैप्चर नहीं हो रहा सही से, पर बहुत सुंदर है। देख रही है पूरा घर छोटे 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 पहाड़ों में भरा हुआ है। केवल रोप वे यहीं जाता है ना, रोप वे। चलो वर्षा, हमारा होटल कुछ ही दूर है। और गाइस हमारे होटल के जो ओनर थे उनके पास प्यारे से किटन थी, देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही थी। मैं तो उसके पास भाग गई थी, बट ये मुझे देख करके भाग गई। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी रूम देखने के लिए, क्योंकि मैं ही थोड़ा ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ में हूँ, मुझे थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं देखने के लिए चली गई थी सब चीज़ ओके है कि नहीं। और मुझे पर्सनली सारे रूम बहुत अच्छे लगे, ये भी रूम बहुत अच्छा था, और उसके बगल वाला जो रूम था जो मेरा रूम था वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग बताना कैसा लगा। ये मेरा रूम है, आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। और बालकनी से बहुत ज़्यादा सीन तो नहीं आता, बट सेकेंड फ्लोर से बहुत अच्छा सीन मिलता है। ठीक है, आइए। हम कितना गंदा फील हो रहा है। एक और था होटल पार्क प्रीमियम था ना, हम लोगों ने प्री बुक किया था, हम लोग रूम देख रहे हैं, तो इसको इग्नोर कीजिए प्लीज़। हाँ गाइज, यहाँ मैं नहा धो करके अच्छे से थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही थी, और यहाँ आने के बाद तो बहुत ठंड लगी। और ये मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग बता रहे, ये टी शर्ट है मुझे वर्षा ने दी है, और इतना ज़्यादा हल्ला कर रही थी कि मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा। और कुछ बाहर से इस तरह का हमारा होटल का जो नक्शा है, मेरे रूम का बाहर का जो सीन है इस तरह का है, बहुत ही अच्छा है। और लोग भी थे अगल बगल, बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। अभी नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, अब जा रही हूँ गैंगटॉक के सामने, यहीं पर एमजी मार गया, उधर जा रही हूँ। वर्षा हो गया, कितना उठाएगी? और हम भी कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ हम फ़ोन लिए बस, बाकी हम लोग एटीएम है। हमें सही लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, मंदिर है वर्षा जी, शिव मंदिर है। हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा। हाँ तो हम लोग व्लॉग की शूट कर रहे हैं, आप लोग क्या लेंगे? अंधेरा हो गया यार, कुछ नहीं आया। देख कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ से भी जा रहा है ये, बह करके इस साइड जा रहा है, और ये कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे फॉल्स मिलेंगे, बहुत सारे, अभी स्टार्टिंग में इतना सही है रोड पे ही। और मेरा ड्रेस आप लोग बताना कैसा लग रहा है, ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट मुझे वर्षा ने दिलाई है, मतलब वर्षा ने दी है, जैसे मैंने पहन लिया। अरे थोड़े सामने। तो गाइज़ हमारे होटल से एमजी मार्ग जो है वो बहुत हाइट पे था, मतलब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, बट एमजी मार्ग जो है मेन वो थोड़े हाइट पे है, तो इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ती है, और सारी सीढ़ियों पे भी मार्केट जैसा लगा हुआ है।
और बहुत खूबसूरत लग रहा। सारी चीज़ें रिजनेबल प्राइस की थी, क्योंकि अगर आप टूरिस्ट हो तो थोड़ा बहुत आपको महंगा मिलेगा ही सारी चीज़ें। तो मैंने कुछ नहीं ली थी यहाँ से, मैंने सिर्फ एक अम्ब्रेला लिया था, वो भी मुझे इमरजेंसी में लेना पड़ा था लास्ट डे। और बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब यादगार था। और इतने ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के लोग प्यारे दिख रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ, मैं इन लोगों के बस पीछे पीछे भाग रही थी। गाइज यहाँ पर ना सिर्फ कोरियन टाइप के लड़के दिख रहे हैं, और मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना लोगों को देखने में, क्या होता हूँ। लड़के लड़कियों की नहीं बात करी, लड़कियों को क्या करूँगी मैं देख कर भी, मैं लड़कों को देख ली। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेन हम लोग एकदम सीज़न के टाइम पे आए ना, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, हद से ज़्यादा ही भीड़ है शायद। बट यहाँ पर कोरियन लड़के बहुत, मतलब कोरियन टाइप लड़के बहुत हैं यहाँ पर। एक भी रेस्टोरेंट खाली नहीं दिख रहा हम लोगों को खाने के लिए। क्या था खान अंकल, खान अंकल बिरयानी, खान अंकल, खान अंकल बिरयानी के पास हम उससे पूछे क्या है तो पूरा नाम लेके बता के। तो मेरी ही बेस्ट फ्रेंड है, समझ जाइए इसे सबूत है। देखो यहाँ पर हाइट में लिखा हुआ है तो आराम से पिक्चर भी आएगा सबका, ऐसा नहीं कि कट जाएगा। और गाइज़ यहाँ पर भी लाइन से एमजी मार्ग से जब आप उतरोगे तो वहाँ पे बहुत सारी टैक्सी होगी, बट मत लीजिएगा क्योंकि हम लोगों के होटल वाले ने ही कम रेट में हमें टैक्सी दिला दी थी। यहाँ पर 4,000 ले रहे थे, होटल वाले ने हमें कम से कम 3,700 में, हाँ 3,700 में दिला दिया था। अब हम लोग सीधा रूम जाएंगे क्योंकि हम लोग थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। रूम दिखा देती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद वीडियो का एंड करूँगी और कल जहाँ जहाँ घूमने के लिए जाऊँगी वहाँ का दिखाऊँगी। तो दिखाती हूँ मैं। इधर वॉशरूम है इस एरिया पे, यहाँ मिरर है बहुत अच्छा है गेट रेडी विथ मी शूट करने के लिए ना, ये मिरर बहुत अच्छा है गेट रेडी विथ मी शूट करने के लिए। अगर यहाँ पर एक लाइट भी होता तो बहुत अच्छा होता। आज का वीडियो कल बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा क्योंकि कल हम लोग जितने भी यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं ना घूमने के वहाँ जाएंगे, 11 या 13 पॉइंट्स ऐसी कुछ है वो घुमा देंगे कैब वाले भैया, मतलब टैक्सी वाले भैया। तो मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ आप लोग से अपने नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।